उत्तराखंड में रोमांच के शौकीन पर्यटकों के लिए अपार संभावनाएं हैं। यहां कई ऐसे क्षेत्र हैं जो रोमांच से भरपूर हैं। वह चाहे रिवर राफ्टिंग हो, पैराग्लाइडिंग या फिर ट्रैकिंग, इनके लिए अब प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निरंतर इजाफा भी हो रहा है। पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ट्रैवलेक्स ट्रैवल डायरीज का लॉन्च अभियान आयोजित किया। वैश्विक स्तर पर दीर्घकालिक प्रासंगिकता बनाए रखने और राज्य सरकार का एहसास कराने के लिए हिमालयन ट्रैवल इंडस्ट्री को एसडीजी को अपनाना होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी नीतिगत स्तर का समर्थन दे रही है। अनछुए पर्यटन स्थलों को दिखाने और बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों के 13 स्थलों का विचार पेश किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटकों का ध्यान अपने अनुभव के लिए प्राचीन हिमालय संस्कृति और विरासत के मूल्य पर लाना है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया आज यहाँ पर है, आप क्या कुछ लग रहा है टूरिज्म को लेकर, क्या कुछ आने वाले फायदे मिल पाएंगे उत्तराखंड? निश्चित रूप से जिस प्रकार का ये प्रयास है, मैं उस प्रयास को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि उत्तराखंड के टूरिज्म को ये विश्व के पटल पर प्रस्तुत करें और पूरे विश्व से टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पर आएँ। यहाँ के इकोनॉमी उससे बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ का युवकों को रोज़गार मिलेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। सब प्रकार से टूरिज्म ये उत्तराखंड के हित में, क्योंकि उत्तराखंड की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण की आज आप बात कर रहे हैं, ऐसे में जो भराड़ी सेंट में जो कांड हुआ था, जो महिलाओं पे लाठी चार्ज हुआ था, ऐसे में भाजपा सरकार को क्या करना? देखिए, लाठी चार्ज किन परिस्थितियों में हुआ, मुख्यमंत्री जी ने मजिस्ट्रेटी जांच की घोषणा की है, इसलिए जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आती तब तक उस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, संयमित तरीके से बिना हिंसा के, और पुलिस प्रशासन भी संयम बरते, ये आवश्यक है। टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य सरकार इन्वेस्टर्स को किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी, किस प्रकार से टूरिज्म के क्षेत्र में इन्वेस्टर्स को राज्य सरकारें किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी? राज्य सरकार अपने द्वारा सब प्रकार की सहूलियत दे रही है। इजी बिजनेस डूइंग में उत्तराखंड ने एक लंबी छलांग लगाई है, हम टॉप 50 में आए हैं और धीरे धीरे सारी उनकी जो समस्याएं हैं लाइसेंसिंग प्रणाली है उसको खत्म किया जा रहा है, जहां सब्सिडी की आवश्यकता है वो भी दी जा रही है। सब प्रकार से टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर्स का सहयोग करना ये सरकार का काम। महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे, जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आगामी होने वाले चुनाव में भाजपा को किस प्रकार जूझना पड़ेगा इन परिस्थितियों से? मैं कहता हूं कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें कोई वो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन जिन चीज़ों के दाम घटे हैं जरा उन पर भी मीडिया को बात करनी चाहिए। जो 100 रुपये टमाटर बिकता था आज 20 रुपये है, जो 55 रुपये चीनी बिकती थी आज 35 रुपये है, जो दाल 80 रुपये बिकती थी आज 50 रुपये है। तो इसलिए सब चीज़ों को देखना चाहिए, केवल एक तेल ही सब कुछ नहीं है। तेल आदमी खाली तेल जो खाने और पीने की चीज़ें हैं उनमें जितना उसको फ़ायदा हुआ है, थोड़ा बहुत देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय चूँकि दाम है उसमें तेलों का दाम बढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु उसमें राज्य सरकारें भी अपना योगदान उसको घटाने में दे सकती है, क्योंकि टैक्स राज्यों का भी बहुत है। सर, अब उत्तराखंड में